स्वागत है आपका जी बिजनेस की खास पेशकश में। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, एक ऐसी हस्ती जिन्होंने देश के उस राज्य को बदलने का बीड़ा उठाया है जो कि हमेशा से भारत की राजनीति में और भारत की अर्थनीति में केंद्र बिंदु रहा है। यूपी इन्वेस्टर समिट शुरू होने वाला है और इस मौके पर हमारे साथ हैं यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। धन्यवाद जी, और इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सर, सबसे पहले तो ये जो इन्वेस्टर समिट है, अब इन्वेस्टर समिट का कॉन्सेप्ट वैसे तो भारत में नया नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था जैसे यूपी इन्वेस्टर समिट में आपने लिखा हुआ है पावरिंग न्यू इंडिया, ये जो सोच है इसमें बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत की राजनीति में अक्सर बड़ी भूमिका अदा करता है, लेकिन ये जो सोच झलक रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश भारत की आर्थिक नीति में, भारत के इकोनॉमी में बड़ी अहम भूमिका अदा करने वाला है। ये कहाँ से आई सोच? देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात को कहते हैं कि भारत को अगर दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है, तो हमें उत्तर प्रदेश को बदलना होगा। 22 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में है देश की, और अगर उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की आबादी बदहाल होगी या यह अगर बीमारू होगी तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा? तो उत्तर प्रदेश को भारत की आर्थिक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। हम अपनी उसी भूमिका को लेकर के आगे चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन आगे करे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश दुनिया की जिस आर्थिक महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है उसमें उत्तर प्रदेश भी सहयोगी बनेगा। अब ये जो समिट है ये बाकी समिट से अलग कैसे होगा, क्योंकि आजकल सभी राज्य समिट का आयोजन तो करते हैं लेकिन बड़े लंबे अरसे बाद एक ऐसा समिट हमने देखा है कि जिससे लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इतनी उत्सुकता भी है, जागरूकता भी है और कई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हिस्सा भी ले रहे हैं इस बार समिट में। तो क्या इसे हम ज़्यादा जो बाकी समिट होते हैं उससे ज़्यादा फ्रूटफुल माने या फिर ये माने कि ये एक पहला लेकिन बहुत बड़ा कदम है आर्थिक स्तर पर उत्तर प्रदेश की जो पहचान है जो शायद अब तक उसे नहीं मिली इस देश में वो दिलाने की दिशा में? देखिए हमारे लिए एक अवसर है। मैं बात को सोचता हूं कि प्रकृति और परमात्मा की बड़ी पार कृपा यूपी पे, उत्तर प्रदेश पर है। यह संभावनाओं वाला प्रदेश है, देश की सबसे बड़ी आबादी है तो सबसे बड़ा मार्केट भी यूपी होगा। एक मार्केट है तो इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं भी यहां पर हैं। एक सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है देश के अंदर, फूड ग्रेन में नंबर एक पर हम हैं, शुगर केन में नंबर एक पर हैं, वाटर रिसोर्सेस हमारे पास देश के अंदर सबसे बेहतर हैं, कनेक्टिविटी यूपी की सबसे अच्छी देश के अंदर है। जब हर सेक्टर में हम नंबर एक पर हैं तो फिर हम क्यों बीमारू रहें, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसी को फोकस करते हुए हम लोगों ने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। हमारे लिए यह गौरवशाली अवसर है कि उत्तर प्रदेश पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है, उत्तर प्रदेश से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सांसद भी हैं और जब प्रधानमंत्री जी पूर्वी भारत की बात करते हैं तो उसमें हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश भी कवर होता है। विकास के बारे में चरित्र हमेशा उपेक्षित रहते थे, उनको फोकस करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान उसी को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। और दूसरा, राष्ट्रपति जी भी उत्तर प्रदेश से हैं तो हमारे पास तो एक अपॉर्चुनिटी है, हम उसका लाभ क्यों ना लें।
इन 10 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कुछ करने का प्रयास किया है। सबसे पहला यूपी की परंपरागत छवि को बदलने का, ये कार्य नहीं होता है, नौकरशाही की मकड़जाल में फाइलें फंस जाती हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, हम लोग उससे निजात दिलाए हैं। यूपी की लॉ एंड ऑर्डर एक चैलेंज था अपने आप में, उससे मुक्ति कराए हैं। आज हर व्यक्ति उत्सुक है इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में अब शासन प्रशासन या किसी भी गिरोह के द्वारा उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक उद्योगपति और इन्वेस्टर को हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित किए, तो हमारा अतिथि है, क्योंकि वो आएगा तो विकास होगा, हमारे यूथ को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे, उनका जीवन स्तर उठेगा, तो देश का जीवन स्तर उठाने में वो मदद कर पाएगा। और इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इन 10 महीनों में हम लोगों ने व्यापक मंथन किया, व्यापक कार्य योजनाएं तैयार की, लगभग 15-16 जो हमारे फोकस सेक्टर थे उनकी हमने पॉलिसीज तैयार की, लैंड बैंक बनवाए, पहले जो हमारी कार्य योजना प्रारंभ हुई थी किसानों को लेकर के, फिर युवाओं को लेकर के, फिर महिलाओं को लेकर के, फिर अलग-अलग क्षेत्रों में जो कार्य योजना हमने तैयार की थी, अब हम लोग आ चुके हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी, इन सब को फोकस करते हुए, टूरिज्म को लेकर के व्यापक संभावनाएं हमारे पास हैं, इन सब को लेकर के चल रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि देश के उद्योगपतियों ने, उद्यमियों ने और इन्वेस्टर्स ने यूपी में रुचि दिखाई है, बड़ा उत्साहजनक माहौल है। मुझे लगता है कि अब तक 8,000 के आसपास डेलीगेट्स इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, 700 से अधिक एमओयू के कागज़ तैयार हो चुके हैं, ये और भी बढ़ने की स्थिति है। और ये देश का सफलतम इन्वेस्टर समिट होगा। बिल्कुल सर, आपने क्योंकि जो पिछले 10 महीने में जो चुनौतियां थी उसकी बात की, तो मैं उस पर आपसे एक जवाब चाहता हूं कि जब आप आए सत्ता में उस समय वाकई स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी, और यूपी की जो छवि थी वो ये थी कि यूपी जैसे जो राज्य हैं वो दरअसल जो देश के आर्थिक विकास की गति है उसे उल्टा धीमा कर देते हैं, उसे तेज करने की बजाय। अब जो पिछले एक साल में जो कार्य हुआ है, आपकी सरकार का भी एक साल पूरा होने जा रहा है, कितने संतुष्ट हैं आप दो तीन मुद्दों पर? एक तो जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की आपने बात की उसे लेकर, दूसरा ये जो छवि सुधारने का प्रयास है, क्योंकि ये यूपी इन्वेस्टर समिट भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट या फिर विधान है उस दिशा में कि उत्तर प्रदेश भी इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के समिट का आयोजन कर सकता है। तो कितने संतुष्ट हैं आप पिछले एक साल में जो हुआ है उससे? हम लोगों ने अपने बेहतर प्रयास किए हैं, जो अच्छा हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है उसको करने का पूरा प्रयास किया। जहां पे लगता था कि उसमें मार्गदर्शन लिया, विभिन्न सेक्टर के लोगों से पूछा, इसमें आगे बढ़े, आज मैं कह सकता हूं कि किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यूपी का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है। हर बेहतर कार्य में और भी बेहतर होने की संभावना होती है, वह यूपी में और होगा भी। दूसरा, इतना अच्छा तो हमारे पास सब कुछ पहले से है, कनेक्टिविटी हमारी सबसे अच्छी है, सब कुछ हमारे पास मौजूद है, तो फिर हम पीछे क्यों रहे? हम भी देश के विकास में भागीदार बनेंगे। दूसरी जो एक सबसे बड़ी मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटी शायद है कि, और इस बारे में चर्चा काफ़ी कम होती है, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर आपके विचार हमारे साथ शेयर करें, ये जो स्टार्टअप्स है उसे लेकर मुझे पता है कि आप काफ़ी उत्सुक हैं उसे लेकर, आपने कई पॉलिसीज भी उसे लेकर बनाई हैं, सबसे बड़े इंक्यूबेटर सेटअप जो है यूपी में बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें कितना प्रोग्रेस हुआ है और ये समिट क्या रोल प्ले करेगी इसमें? देखिए, पहली बार यह देश स्टार्टअप के बारे में, स्टैंडअप के बारे में, डिजिटल इंडिया के बारे में
2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब जान पाया, और यूपी में लागू इसको होने नहीं दिया जाता था। हम लोगों ने इस पे कार्य प्रारंभ किया है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के बारे में। अब आश्चर्य करेंगे, हमने अपनी वोकेशनल एजुकेशन को, टेक्निकल एजुकेशन को और प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट को आपस में जोड़ा, 6 लाख यूथ इनरोल हुआ, 2.5 लाख पास आउट अब तक किया है, 1,40,000 का प्लेसमेंट हम लोग अलग अलग इंटरप्राइजेस में या अलग अलग उद्यम में उनका हम लोग करवाए हैं। हर एक जो यूथ है वो आज 15,000 से लेकर 40,000 रुपये कमा रहा है। स्टार्टअप में हमारी कार्य योजना है कि सब कुछ हमारे पास मौजूद है, उसको प्रोत्साहन की आवश्यकता थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आने के बाद अनेक योजनाएं चलाई। स्टैंडअप में 16,500 से अधिक बैंक की शाखाएं यूपी में हैं, हर एक बैंक की ब्रांच को, एक एससी एसटी और एक महिला उद्यमी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन की सुविधा देने की व्यवस्था होनी थी, उसका लाभ नहीं ले पाते थे। मुद्रा योजना में 50,000, 5 लाख, 10 लाख तक योजना का लाभ यूथ ले सकता था, उसकी दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं इसके बारे में स्वयं मुंबई गया, बैंक जितने बैंक थे उनके कैप्टन से कह के और उनके सीईओ के साथ मैंने बैठक की और मैंने उनसे सहयोग मांगा। स्टेट लेवल की बैंकर्स कमेटी की बैठक में स्वयं भी लिया, मैंने कहा भी आखिर इसमें क्यों नहीं आप सहयोग करते हैं, आप इसमें सहयोग करिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज सभी लोग सहयोग में आए हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना को हम उसी दिशा में प्रयास किए हैं, क्योंकि परंपरा एमएसएमई में यूपी नंबर एक पर था, बिल्कुल, लेकिन प्रोत्साहन न मिलने के नाते धीरे धीरे करके वो पिछड़ता गया, उसकी परंपरागत उत्पाद से वो हटता गया, यहाँ से पलायन होता गया, यहाँ की ऊर्जा और यहाँ की प्रतिभा दूसरी जगह गई। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, नाम हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया है, लेकिन एक जिले में हमारे पास 75 जिले हैं, एक जिले में एक से ज़्यादा उत्पाद भी है, लेकिन जहाँ एक को भी हम लेंगे, अगर आप देखेंगे अलीगढ़ को ही, अलीगढ़ में तालों के नाम से बहुत पहले से विख्यात है, लेकिन हार्डवेयर का जितना अच्छा काम अलीगढ़ में होता है वो पूरी देश और पूरी दुनिया को एक मिसाल प्रस्तुत कर सकता है। थोड़ा प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम लोगों ने उसको लिया है। खुर्जा की क्रॉकरी को पूरी देश के अंदर सप्लाई कर सकता है, कभी प्रोत्साहन नहीं मिला। फिरोजाबाद के ग्लास उद्योग को जो अवसर मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, कन्नौज के इत्र को, मुरादाबाद के पीतल उद्योग को, भदोही की कालीन को, वाराणसी की साड़ी, लखनऊ का चिकन कारीगरी कौन देगा, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम को, आगरा का जो लेदर उद्योग है, प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, ये नहीं हो पाया था। हम इसको ले रहे हैं एक इस दिशा में, जब हम नंबर एक पर थे तो फिर नंबर एक पर ही होंगे, उस दिशा में एक प्रयास। व्यापक पैमाने पर रोजगार, छोटी पूंजी पर, कम पूंजी पर रोजगार की व्यापक संभावनाएं, ज्यादा लोगों को नौकरी, ज्यादा लोगों को रोजगार, स्वरोजगार इसके माध्यम से हम दे सकते हैं। इस दिशा में हमारा प्रयास है, फोकस है। 3 वर्ष के दौरान एमएसएमई के माध्यम से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग 20 लाख यूथ को इसके साथ जोड़ेंगे पूरी यूपी के अंदर। बिल्कुल। और इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य हमारा है एक माहौल, आप देखें आईना, हमारे पास हमने अपनी योजनाएं लागू कर दी हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन हम कर रहे हैं, 2 एक्सप्रेसवे देने जा रहे हैं, एक ईस्टर्न पार्ट को जोड़ेगा, एक बुंदेलखंड को जोड़ेगा, हम मेट्रो के साथ आ रहे हैं, एक साथ कानपुर, आगरा, मेरठ हम लोग आ रहे हैं, जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग देने जा रहे हैं, और भी अन्य उस पर हम कार्य करने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे केवल एक्सप्रेसवे नहीं होगा,
उसके दोनों ओर हम औद्योगिक गलियारा देने जा रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न भी वेस्टर्न भी, उसका बड़ा भाग यूपी से होके जाता है। यूपी से अच्छी कनेक्टिविटी किसके पास है? तो ये हमारे पास संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना है बिल्कुल। और उस दिशा में हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। तो क्या हम ये माने कि आने वाले कुछ सालों में यूपी भारत के जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा, अभी एकदम तीसरे चौथे स्थान पर रहता है? मेरा मानना है कि नंबर एक पर यूपी होगा, आने वाले समय में आएगा। कितने साल में अब कुछ मैं ये आइडिया? टारगेट नहीं दे सकता, लेकिन मैं कह सकता हूं कि यूपी की संभावनाओं को देखते हुए और भारत सरकार का जिस प्रकार से सहयोग मिल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जिस प्रकार से कृपा है, उसको देखते हुए हम नंबर एक पर आएंगे। आपने जो एमओयूज की बात की, अब क्या कोई एस्टिमेट है कितना कितने एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं इस बार समिट में? अब मान के चलिए कि अब तक का रिकॉर्ड का है सबसे अच्छा आपने होगा, पूरे सबसे देश अच्छा का, होगा, पूरे देश का बेहतर सबसे होगा अच्छा। एकदम। अच्छा, कुछ और एक जो एक दो जो मुद्दे हैं, एक तो आपने एसएमईज की जो बात की, और ये बात सही है कि यूपी सबसे बड़ा हब था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही एसएमईज का। अब वो अलग अलग राज्यों में चले गए, उनको वापस लाकर एस्टेब्लिश, एक तो जो यहाँ पर उभर रहे हैं वो जो बाहर चले गए उनको लाने के लिए दिशा में कुछ हो रहा है प्रयास? है, हमने कहा ना उसी के लिए हम सारी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं, इस योजना को हम लोग चलाए उसी उद्देश्य से हैं, और हमारे पास जो मौजूदा है उसको भी हम प्रमोट कर रहे हैं, उसकी मैपिंग की, उसकी तकनीक की, उसकी डिजाइन की, उसकी मार्केटिंग की, सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग आए हैं। मैं जो प्रायोरिटी एरियाज़ भी देख रहा था, इनफैक्ट जो वेबसाइट पर भी प्रायोरिटी एरियाज़ दिए हुए हैं, उसमें एक तो जो परंपरागत हैं जैसे एग्रीकल्चर है या फिर डेयरी उद्योग है, ये सब तो है ही, उसी के साथ साथ मैं देख रहा था कि आईटी को काफ़ी तवज्जो दिया गया है और दूसरा डिफेंस को, इस पर विजन क्या है आपका? देखिए, आईटी के क्षेत्र में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं, हमारे पास उस प्रकार का यूथ भी है। यूपी देश के अंदर सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट का नंबर एक स्टेट है। हम आईटी के लिए अलग से हम लोगों ने वो तय कर दिए हैं, पहले से ही पूरे सेक्टर उपलब्ध करवा दिए हैं, व्यापक संभावनाएं हमारे पास हैं, और डिफेंस के लिए भी हमारे पास, हम जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देने जा रहे हैं उसमें हम डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी जगह दे रहे हैं, और मेरा मानना है कि लगभग 1 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट केवल डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से यहाँ यूपी में हो सकता है। क्या हम ये माने कि यूपी जो मेक इन इंडिया कैंपेन जो कि प्रधानमंत्री ने उठाई है उसका केंद्र बिंदु बन सकता है? एकदम, क्यों नहीं बनेगा, कनेक्टिविटी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास है, अवश्य बनेगा। सर, बस आखिरी दो सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आपका भी जो पहला वर्ष है वो ख़त्म होने जा रहा है ऑफिस में, आने वाला जो वर्ष है या फिर आने वाले कुछ वर्ष के लिए प्रायोरिटीज़ आपकी क्या रहेंगी? पहला साल तो जो पुराना डैमेज था या फिर पुरानी छवि थी उसे बदलने में चला गया, अब जो नया उत्तर प्रदेश या फिर उत्तम प्रदेश कैसे बने उसके लिए क्या होगी प्रायोरिटी? देखिए, हम लोगों ने जब शुरुआत की है, अभी हमें 10 महीने पूरे हुए हैं, और इन 10 महीनों के दौरान हमने पहले किसानों को लिया सामने, किसानों को अब तक डीबीटी के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपए हम लोग किसानों के खातों में भेज चुके हैं। आज किसान इस बात को लेके यूपी में प्रफुल्लित है, पहली बार उसको बिजली मिल रही गाँव में, 18 घंटे की बिजली मिल रही है गाँव में, किसान को नहीं मिलती थी, आज उसको बिजली मिल रही है, खुशहाल है। नई योजना के अंतर्गत जब समर्थन मूल्य से 1.5 गुना लागत दाम उसको दिया जाएगा तो किसान अपने आप प्रफुल्लित होगा और आगे बढ़ेगा। उस दिशा में हमारे कार्य चल भी रहे हैं, और हम लोगों ने सिंचाई, हमारा प्रयास है कि हम आने वाले 6 महीने के अंदर प्रदेश के अंदर लगभग 1 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त लैंड को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेंगे, सोलर पंप उनको उपलब्ध करा रहे हैं,
और भी क्षेत्रों में हमारे कार्य उसमें चल रहे हैं। यूथ के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं, सरकारी नौकरियां हमारी निकल रही हैं बाकी उद्यमों के साथ और स्किल डेवलपमेंट के साथ, और स्टार्टअप का है, स्टैंडअप का है, मुद्रा योजना के, इन सब के साथ हम उसको जोड़ रहे हैं, इसमें भी काम कर रहा है। महिलाओं के लिए हमारी योजनाएं यूपी में लागू हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना यूपी का, और अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करके रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना। मेरा अनुमान है कि यूपी जितनी पॉलिसीज हमने तय कर दी हैं और जिसको हम तेजी के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे सामने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट समिट के बाद पूरी टीम हमारी जो लगी है, उस टीम को हम लोग दो कार्य देने जा रहे हैं। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और एमएसएमई के अंतर्गत जो अब तक हम लोग कार्य योजना तैयार किए हैं इसको इम्प्लीमेंट करना, और सेकंड जो एमओयूज होंगे उन सब को इम्प्लीमेंट करना, और इस पे जवाबदेही तय होगी कौन से एमओयूज के साथ कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी जुड़ा है, वह उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएं, और एक समय सीमा के अंदर पूरी जवाबदेही उसके साथ तय होनी है। इन सब के बाद हम लोगों का प्रयास होगा एक साल के बाद फिर एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हम लोग यहाँ पे करेंगे, और मुझे लगता है कि उस समय तक हम लोग यूपी के पूरे माहौल को बदल करके ये तब तक हम साबित करने की स्थिति में होंगे कि हाँ हम लोग कर नंबर एक सकते पर हैं हैं। बिल्कुल। बस सर एक आखिरी सवाल होगा आपसे, क्योंकि आपने जो जवाबदेही की बात की, एक बहुत बड़ा तबका है उत्तर प्रदेश का जो कि एनसीआर में रहता है, और उनकी घरों की परेशानी है, बड़ी गंभीर परेशानी है। कई सालों से कई लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं, घर उन्हें मिले नहीं है। आपकी सरकार ने काफ़ी प्रयास इस दिशा में किया है, उन्हें आप आज इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए यूपी में जब हम लोग आए थे तो बिल्डर और बायर्स का एक बड़ा विवाद यहाँ पे था, और खास तौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में ये ज़्यादा समस्या थी। हमने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ के लिए तैयार किया और उनको कार्य योजना दी कि भाई आखिर समस्या यहाँ क्या है, इसको जान करके देख के बताओ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो लगभग 2.25 लाख आवास वहाँ पे बायर्स के थे, उनमें से पहली किस्त के 40,000 आवास तो बन के तैयार हो चुके हैं, 40,000 इसके 3 महीने के बाद बन के तैयार हो जाएंगे। प्रत्येक बिल्डर्स की हम लोगों ने उनकी व्यक्तिगत ऑडिट कराने के लिए भी आदेश कर दिए हैं, तय करने के कौन बिल्डर बायर्स को उनका हक दे सकता है, कौन किसको को डेवलपर की आवश्यकता है, और फिर किसके खिलाफ कार्रवाई की जाने की आवश्यकता पड़ेगी, इस सब पे कार्य प्रारंभ हो गया है। हम लोग इसका समाधान निकालेंगे। बिल्कुल, चलिए सर यही शुभकामनाएं, और साथ ही ये जो स्वप्न आपने एक नया दिया है कि अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन आप करेंगे, उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे धन्यवाद साथ जी, थैंक यू, बातचीत करने के लिए। धन्यवाद जी, थैंक यू। नमस्कार।